हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम गेटिंग स्टार्ट विथ नियो 4J इंटरप्राइजेज लैब करने वाले हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर लेंगे, लंच एंड क्रेडिट क्लिक करके हमारा लैब स्टार्ट हो गया है। यहाँ से हम पासवर्ड कॉपी करेंगे, उसके बाद ओपन ओपन गूगल क्लाउड करके इनकॉग्निटो विंडो पे ओपन कर लेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट करेंगे, नेक्स्ट एंड आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर लेंगे। ये हमारा कंसोल खुल रहा है, फिर एग्री पे टिक करके एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद सीधा जाएंगे हम टास्क नंबर 1 पे। तो हमें एक ये टास्क करना है जिसमें हमें VM इंस्टेंस में जाना है। इंजन में क्लिक करके VM इंस्टेंस में जाएंगे। यहाँ से इसको कट कर लेंगे। फिर हमें चाहिए एक्सटर्नल IP, यहाँ से एक्सटर्नल IP को कॉपी कर लेंगे। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं इसमें हमें 7474 ऐड करना है। तो एक्सटर्नल IP को पेस्ट करने के बाद हम फिर से बैक जाएंगे और यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे 7474 7474। इसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इंटर क्लिक करेंगे और ये हमारा वेबसाइट ओपन हो रहा है। इसमें थोड़ा डिले हो सकता है। इसके बाद हमें इसमें ऐड करना है यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो और नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे हमें यूजर नेम और पासवर्ड दिख जाएगा। यहाँ से कुछ नहीं करना, सीधा कॉपी करना है हमें। कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद फिर से बैक जाएंगे और यहाँ से पासवर्ड उठा कॉपी करेंगे फिर यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। कनेक्ट पे क्लिक करेंगे फिर हमारा वेबसाइट कनेक्ट कनेक्ट होगा और ये हो गया। तो आपके सामने कुछ ऐसा विंडो खुल जाएगा। उसके बाद हमें इस कोड को कॉपी करना है, सिंपली कॉपी कर लेंगे फिर से बैक जाएंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। प्ले बटन पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद फिर से स्क्रॉल डाउन करेंगे और इसमें टिक मार्क चेक मार्क चेक प्रोग्रेस पे क्लिक कर लेंगे। ये अगर हमारा टिक मार्क आ गया है, टास्क 1 कंप्लीट हो गया हमारा। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, इसके बाद मैनेज में जाएंगे, डाटा इन्फॉर्मेशन के बाद मैनेज में क्लिक करेंगे और ये आप देख सकते हो ऊपर वाला कमांड को क्लिक कॉपी कर लेंगे हम लोग। ये वाला कमांड कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और रन पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा रन हो गया ये कमांड। फिर से बैक जाएंगे और दूसरा कमांड उसके नीचे वाला कमांड को कॉपी करेंगे, फिर से पेस्ट करेंगे यहाँ पे और प्ले कर देंगे। और फिर से नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन, ये कमांड कॉपी करेंगे, फिर से बैक जाएंगे यहाँ पे पेस्ट एंड क्लिक टू प्ले बटन। यहाँ पे फिर से बैक जाएंगे और इस कमांड को कॉपी करेंगे फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर से क्लिक ऑन प्ले बटन, स्क्रॉल डाउन, फिर से कमांड को कॉपी करेंगे फिर यहाँ पे पेस्ट करेंगे, फिर से क्लिक करेंगे प्ले बटन पे और ये हमारा कमांड रन हो रहा है। ये रन हो जाए उसके बाद हम फिर से बैक जाएंगे और ये फिर से बैठेंगे, इस कमांड को कॉपी करेंगे पेस्ट करेंगे, इसके प्ले बटन क्लिक करेंगे, ये मेरा कमांड रन हो रहा है। फिर से बैक जाएंगे, फिर से इस कमांड को कॉपी करेंगे, फिर से यहाँ पे क्लिक करेंगे पेस्ट करने के बाद भी हमारा
मेरे को मन रन हो रहा है। स्क्रॉल रन करेंगे, फिर से इस कमांड को कॉपी करेंगे, फिर से बैक जाएंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ये रन हो जाए उसके बाद हम पेस्ट करेंगे। रन हो गया, दूसरा एक वाला कमांड पेस्ट कर देंगे यहाँ पे, क्लिक करो रन बटन, ये कमांड भी रन हो रहा है। फिर से बैक जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे और इस कमांड को कॉपी करेंगे। फिर हम एक बार चेक कर लेते हैं, चेक इन प्रोग्रेस पे क्लिक करके, क्या पता हो जाए। हो गया, यहाँ से हमारा लैब कंप्लीट हो गया। कंग्रेचुलेशंस। चेक में प्रोग्रेस पे क्लिक करके ऐसे एक बार और चेक कर लेंगे और ये हमारा आ गया, हो गया एक लैब कंप्लीट। फिर यहाँ से सबमिट कर देंगे।